हमारी जाने कुर्बान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारा माल कुर्बान, हमारी औलादे कुर्बान, हमारी इज्जत, हमारी आबरू कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। और इस दुनिया में तमाम वो चीज़ें जो है, इस दुनिया की तमाम चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान जाए। इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ों की, वो तमाम की तमाम इंसानों की कोई अहमियत नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे। ये मुकाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और वो गिरी कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनने गुस्ताखी किया। और एक हज का छोटा रिचार्ज, एक इतना बाज का इंसान जो हमारे सदर मोहतरम के पैंट तक भी नहीं आता, और वो कहता है क्या मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारूंगा। अरे बताओ आप लोग, क्या वो मस्जिद में घुसकर मारने के काबिल है? बताइए मुझे। बोलने के लिए तो बहुत है, बोलने के लिए तो बहुत है, मगर मुझे मुख्तसर वक्त मिला है क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं। बस एक मिनट में मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। भाइयों, जो शहर औरंगाबाद में इलेक्शन चालू है और जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को गिराने के लिए हमारे ही अपने खड़े हैं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को गिराने के लिए हमारी सफ़ों में ही गद्दार खड़े हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जुआ वालों को, गैर गलत धंधे करने वाले को उनके मंजूमों में कामयाब नहीं होने देना है। अब आप हाथ उठाकर गवाही दो क्या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं? क्या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं? बस मैं अपनी बात को इस नारे से ख़त्म करूंगा कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। खुदा हाफिज़। आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, उसी तरह मध्य सेंट्रल के उम्मीदवार आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान और मोहिब्बान मजलिस, सलाम अलैकुम। मंजिल लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे मेरे साथ कहाँ है वो लोग, ये जो कहते थे कि रास्ते में मैं बिखर जाऊंगा। अजीज साथियों और दोस्तों, ये 2024 का इलेक्शन, ये तमाम किस्म की आपको आवाज़ें दे रहा है। देखिए पार्लियामेंट से हमारी क़यादत को किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र से 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, जिसमें एक ही शहर है महाराष्ट्र, हमने मुंतखब करके दिया था सैयद इम्तियाज़ जलील, लेकिन साजिश के तहत हमको नाकामियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आपके सामने अल्लाह तबरक ताला ने दूसरा मौका दिया है हमको। असेंबली के अंदर सख्त ज़रूरत है अभी इन जालों को भेजने की, यानी कि इम्तियाज़ जलील साहब को और नासिर सिद्दीकी साहब को। इसकी वजह यह है कि आपने अभी देखा होगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग, यानी कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट में थी, वो कितनी घमंड में चूर थी, किस कदर अहंकार में डूबी हुई थी कि आप मजहबों के अंदर इस्तेसाल कर रहे हैं।
और मुजरिमों को अपनी बगल में बिठा के कहता है एकनाथ शिंदे कि इसका कोई बाल बाका नहीं बिका सकता। याद रखो जी साथियों और दोस्तों, उसका टाइम खत्म हुआ। अब आने वाला शपथ जो भी लेगा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं रहेगा, यकीनन कोई और रहेगा। लेकिन हमारी बात यह कि उस मौलान को उसको सजा नहीं मिली। और गुस्ताख रसूल, जब गुस्ताख रसूल ने गुस्ताखी करने के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उसको पनाह देता है, एक महीने तक हमने इंतज़ार किया, एक महीने तक हमने इंतज़ार किया कि कोई तो इसकी मजम्मत करेगा, कोई तो रास्ते पे उतरेगा, कोई तो कुछ कहेगा। लेकिन याद रखो, हमारा कोई मसीहा नहीं है, हमें खुद हमारी हैसियत मनवानी है। फिर शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अगर कोई सामने नहीं आ रहा है, अगर कोई मजम्मत नहीं कर रहा है, तो हुकूमत को 5 दिन का टाइम दिया। आप लोगों को याद होगा कि 5 दिन के अंदर उस कथाकथित वाचक को, यानी कि रामगिरी को उठा के काल कोठरी में डाल दो, अगर नहीं डालेंगे तो मैं हजारों का काफिला लेके मुंबई में चलाऊंगा। याद रखिए, आज आपके सामने तो बहुत उम्मीदवार आ रहे हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से आ रहे हैं, बाप की जागीर समझ के फार्म भर रहे हैं और सौदे कर रहे हैं कौम के। अरे जब मुंबई को जाने की बात आई, जब जोखिम लेने की बात आई, जब हुकूमत से टकराने की बात आई, तो पूछो इन चूहों से कौन सी बिलों में छुपके बैठे थे, पूछो ये चूहों से कौन सी बिल में छुपके बैठे थे। अगर हुकूमत से टकराने का जिम्मा इम्तियाज जलील ने लिया है, तो पार्लियामेंट में जाके और असेंबली में जाके टकराने का जिम्मा भी हम इम्तियाज जलील को ही देंगे। इनको कह दो कि आप अपनी हदों में रह जाए। और जो इम्तियाज जलील, देखिए 29 उम्मीदवार 40 उम्मीदवार खड़े हैं पूर्व से, ऐसा लगता है कि मेरे को तो देखने में समझ में नहीं आ रहा कि करोड़ों के अभाव में भी क्यों उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, जिनके कभी कोई समाज में काम नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई सियासत में काम नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी के दुख दर्द में काम नहीं दिया, जिनको पड़ोसी नहीं पहचानता, वो आके फॉर्म भर रहे, वो आके एमएलए बनने की बातें कर रहे। और कुछ तो सुपारी बहादुर मैदान में उतरे हुए, हर इलेक्शन की सुपारी ले रहे, हर इलेक्शन की सुपारी ले रहे कि किस तरह कौम की क़यादत को ख़त्म किया जाए, किस तरह कौम की क़यादत को ख़त्म किया जाए। याद रखिए, इस इलेक्शन के अंदर हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान है। और याद रखिए, असेंबली के अंदर आँख में आँख डाल के बात करने वाले जियालों की ज़रूरत है, ये नामर्दों की और नपुंसकों की ज़रूरत नहीं है जो कौम को कौड़े के भाव में बेच रहे। आप मेरे को कहो, वो डेढ़ फीट का नीतीश राणे कहता है कि हम मस्जिदों के अंदर घुस के मारेंगे, और कोई इसकी मजम्मत नहीं करता, उसके ऊपर केसेस बुक होने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। तो सुन बाटोक, अरे तेरे में हिम्मत मस्जिद में तो छोड़, मस्जिद के बाहर जो तारत खाना रहता है उसके इस्तंजा को भी छू नहीं सकता तू, उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच सकता तू। हमारा कहने का मतलब ये है कि जबान हम भी मुंह में रखते, लेकिन वो नशे में पैदा हुआ हुआ है, उसका बाप भी बेवड़ा, पूरा ख़ानदान बेवड़ा, और नशे में पैदा हुए लोगों से आप अकलमंदी की बात की उम्मीद मत रखो। वो कभी भी बात करेंगे, जबान खोलेंगे तो वो गंदी जबान खोलेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब साफ है कि इधर ईस्ट विधानसभा से और मध्य विधानसभा से, देखिए आने वाली तारीख आपका इंतज़ार कर रही है। पूरी हिम्मत और शिद्दत से हमको उठ के सिर्फ पतंग का बटन दबाना है। इम्तियाज जलील साहब को और नासिर सिद्दीकी साहब को हमको असेंबली में भेजना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मुतालबात बेशुमार है। देखिए, हमारी स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया गया, हमारी हर सब्सिडी को ख़त्म किया गया, हमारे अवकाफ़ के अंदर जो होता तरमीम की बिल लाने की कोशिश की जा रही है, और इनके ऊपर कोई लड़ सकता है तो ईमानदारी से हमारे अपने ही एमएलए लड़ सकते हैं, हमारे अपने ही लोग लड़ सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग सिर्फ आने वाली तारीख को, आप 20 तारीख को आप सिर्फ पतंग का बटन दबाएंगे। और मैं ख़ास तौर से आप लोग कहूँगा कि जो लाडली बहना का खेल शुरू किया था एकनाथ शिंदे ने, देखिए इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और रियासत में कोई काम नहीं किया। तो मैं ख़ास तौर से हमारी बहनों को कहूँगा कि सुनो मेरी लाडली बहना, धोखेबाजों से बचकर रहना। सर पर इलेक्शन आया है, धोखेबाजों से बच के रहना। देखिए, ये लोगों ने भाइयों के जेब में से 5,000 रुपये निकाले और बहनों को 1,500 रुपये दिए। इन्होंने सिर्फ धंधे का कारोबार किए, धोखेबाजी का काम किए, इसलिए इनकी बातों में आना नहीं। हमारे इत्तेहाद के साथ हम मुत्तहिद होकर सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
उम्मीदवार जनाब सम्राट सरोदे साहब भी आ चुके हैं ज़ोरदार टालियों से, उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल करें। ये मीडिया के स्टेज के सामने से फिर से नौजवान वहाँ जमा हो गए, उनसे गुजारिश है हट जाए। मैं बहुत ही अदबन बुलाने जा रहा हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेरनी हैदराबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाई एडवोकेट सैयदा फलक साहिबा से, वो यहाँ पर आए और अपनी बात को यहाँ पर रखें।